चार घंटे में भर देता है, तो दो नल जो है कम घंटों में भरेंगे क्या? तो नलों की संख्या का और समय से रिवर्स संबंध होता है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, इसी नियम से हल कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, फुर्सत हो जाए, एकदम नकल नहीं करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न बोलूं क्या? एक नल एक टंकी को 6 घंटों में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 6 घंटों में भर सकता है। इसे खोले जाने के 3 घंटे बाद, इसे खोले जाने के 3 घंटे बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए गए। ऐसे 3 नल और खोल दिए गए, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी भरने में कितना समय लगा, ऐसा लिख लें। तो टंकी भरने में कितना समय लगा? तो जानकारी है कि नल है और समय है, नल की संख्या है और घंटों की संख्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नलों में और घंटों में, जैसे एक नल से टंकी भरोगे सपोज शुरू 4 घंटे में भर जाती है, अब दो नल खोल दोगे तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा? अगर दोनों भरने वाले हैं तो समय क्या लगेगा, यानी उल्टा संबंध है। तो जहां उल्टा है वहां MD MD लगा सकते हैं। तो ये भी सवाल MD बराबर M1D1 से हो जाएगा। ये ऐसा कोई भी सवाल है जहां दो या तीन चीजें रेसिप्रोकल हो, वो सभी मिश्र अनुपात से हल हो जाती है। तो आइए देखिए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है ना? इसे खोल दिया गया किसको, पहले नल को, 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे बाद जो भी हुआ हो, 3 घंटे तक इसने टंकी को क्या किया, 3 घंटे बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए गए, यानी इसे बंद नहीं किया गया और 3 और खोल दिए गए, टोटल कितने हो गए, यानी अब कितने नल काम कर रहे हो? तो पूरी टंकी थोड़ी भरेंगे, कुछ भाग तो पहले भर गया है, मेरे ख्याल से आधा भाग भर गया है, तो बाकी आधा भाग कौन भरेंगे, 4 नल। तो सपोज करो डी या एच घंटे लगे इनको, तो मैंने कहा यहां हो गया 6 और यहां हो गया 3 और यहां हो गया 4H2। 3 को इधर ले आते हैं तो 4H2 का मान, क्यों बच्चों, धन 3 इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4H2 का मान क्या हो गया भाई, 3 6 में घट जाएगा 3, तो H2 का मान क्या हो जाएगा, 3/4 घंटे। या आप जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 4 का गुणा कर ले हम, तो बच्चों ये कितना हो गया, 45 मिनट। कितना हो गया, सवाल कहता है टंकी भरने में कितना समय लगा, यानी मेरे ख्याल से टोटल टाइम कह रहा है, क्या कह रहा है? तो पहले तो लगा था कितने घंटे, एक नल ने 3 घंटे भरा था, फिर 4 नल ने 1.5 घंटा भरा, तो टोटल टाइम लगा 3 घंटे। अगर यहां ये कहता कि टंकी का शेष भाग कितनी देर में भरा, तो उत्तर क्या आ जाता, 45। क्या जाता, टंकी भरने में कितना समय लगा, तो एक नल ने भरा था 3 घंटे और 4 नलों ने भरा 45 मिनट, तो पूरा समय लगा टंकी भरने में 3 घंटे 45 मिनट। तो आपने देखा यहाँ पे एच काउंट है, क्या काउंट है, घंटे। तो नलों की संख्या का घंटों से
उल्टा संबंध होता है, क्या होता है? रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स का मतलब विलोम, क्या? उल्टा। तो जहां पर भी उल्टा संबंध होता है हर उस जगह एमडी बराबर एमडी या वो वाली बातें लग जाती है। दूसरा, अगर ये तीन चीजें हो, क्या हो, और तीनों आपस में रेसिप्रोकल हो तो भी यही फार्मूला बन जाता है, लेकिन एम डी एच बराबर क्या हो जाता है? अगर काम टुकड़ों में हो रहा है, दो जानकारियां हैं, पहली जानकारी फिक्स है, दूसरी जानकारी टुकड़ों में हो रही है, तो वहां भी लग जाएगा फार्मूला एम डी एच बराबर एम वन डी वन एच वन प्लस एम टू डी टू एच टू प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी भी बार में काम हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज करो 20 आदमी जो है कितने, और डेली 4 घंटे काम करें, कितने घंटे? तो सपोज करो एक काम 10 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में कर देते? अब इन्होंने काम करना शुरू किया, किनों ने? 20 आदमियों ने। प्रतिदिन कितने घंटे काम किया? 4 घंटे काम किया, और काम किया केवल 5 दिन, क्या? अब 5 दिन बाद क्या हुआ? 10 आदमी काम छोड़कर भाग गए, कितने बचे? अब वो 10 आदमी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 4 की जगह कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो बताओ शेष काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो मैंने कहा देखो ये एम डी एच का योग, एम डी एच और एम डी एच के योग के क्या होगा? आप यह कह सकते हैं 20 × 4 = 80 × 10, इसे कहेंगे कि यार 800 घंटों का काम है, कितने घंटों का भाई? 10 दिन में हो रहा है, 4 घंटे डेली हो रहे हैं, यानी 40 घंटे हो गए। 20 आदमी करेंगे तो 40 घंटे, और एक आदमी करेगा तो कितने घंटे काम? तो इसे कहेंगे